नमस्कार, मेरा नाम राजा बाबू शर्मा है। मैं मूल रूप से ज़िला जालौन का रहने वाला हूं और प्रेजेंट में मैं गाजियाबाद में रह रहा हूं, बहरामपुर जिले में। मेरा 1997 में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था। ट्रेन एक्सीडेंट के बाद सभी दोस्तों के माता पिता के आशीर्वाद से मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया और क्रिकेट खेलते खेलते जो उत्तर प्रदेश की दिव्यांग टीम बनी थी उसका मैं 2016 में कैप्टन बना, जो 2019 में वो कमेटी भंग हो गई। उसके बाद मैंने व्हीलचेयर क्रिकेट खेलना चालू किया और प्रेजेंट में मैं व्हीलचेयर क्रिकेट खेल रहा हूँ मध्य प्रदेश की टीम से। और 2017 में खेल के दौरान मेरा आर्टिकल निकला था। आर्टिकल के बाद एक नोएडा के एक समाज सेवी थे, उन्होंने मुझे एक ई रिक्शा दिया था। उस ई रिक्शा को चलाकर अपने जीवन का यापन कर ही रहा था, तब कोरोना काल में वो ई रिक्शा भी ख़राब हो गया, उसकी बैटरी ख़राब हो गई। आज अपना जीवन जीने के लिए उसमें बैटरी डलाता हूँ, 180 रुपये की एक दिन की बैटरी पड़ती था। गाजियाबाद में मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, मम्मी पापा और दो भांजियाँ हैं, जो मेरी दो बहन की डेथ हो गई थी वो अभी भी मेरे पास हैं, तो अभी बड़ी मुश्किल से गुजारा चल पा रहे हैं, जिससे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है मेरे खेल पे। 2007 में नॉर्मल क्रिकेट खेल के न्यूज पेपर में आने के बाद मैं काफ़ी सारे जो कानपुर में, पहले मैंने कह रही क्रिकेट की शुरुआत कानपुर से हुई थी, कानपुर में मैंने काफ़ी सारे जो गली क्रिकेट होते हैं, जो नॉर्मल टूर्नामेंट होते हैं, उसको खेल के 2013 में मैं मुझे लोगों से पता चला कि दिव्यांग टीम भी है। दिव्यांग टीम में मैं उत्तर प्रदेश की टीम से शामिल हुआ और 2013 से लगातार उसी टीम में खेलता रहा। उस दौरान मैंने भारत के लगभग 15 से 16 राज्यों में नेशनल टूर्नामेंट खेले। 2015 में मुझे स्टेट अवार्ड मिला था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 2015 में ही मुझे बिहार नेशनल अवार्ड मिला। और क्रिकेट में मैं बताऊं आपको, मैं इंडिया टीम का रिप्रेजेंट किया, साउथ के हीरोज़ के साथ हमारा एक मैच था इंडियन टीम का, डिसेबल टीम जो थी इंडिया की वो उसका और साउथ के हीरोज़ के साथ एक मैत्री मैच हुआ था। तो अभी तक की जो इवेंट है वो यही खेले। अब मैं प्रेजेंट में व्हीलचेयर क्रिकेट खेल रहा हूँ मध्य प्रदेश की टीम से। और बात की जाए पारिवारिक दृष्टि की, अब क्योंकि क्रिकेट लोग कहते हैं कि आसान गेम है, मेरे नज़रिए में क्रिकेट सबसे महंगा गेम है। क्रिकेट के बैट महंगा है, किट महंगी है, पूरा प्रॉपर जो सामान है वो बहुत महंगे हैं, जो शायद मैंने आज तक नहीं प्रिपेयर कर पाए हैं। तो आपके द्वारा मैं यही चाहता हूं कि क्रिकेट की जो बारीकियां, जो मुझे और जो सामान है क्रिकेट के, अगर वो मिल सकें तो मैं अपना बच्चों का जो भविष्य है वो संवार सकूँ उस क्रिकेट के, और जो अन्य जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें मैं मोटिवेट कर सकूँ कि आप भी कमज़ोर नहीं हैं, आप भी सक्षम हैं, आप भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। और मैं गाजियाबाद में रह के अपने ज़िले का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ बड़े पैमाने पे, जिसकी अभी उम्मीद जगी है, क्योंकि अभी तक की दिव्यांग क्रिकेट एनजीओ के माध्यम से होते थे, प्राइवेट सेक्टर से, उसका कोई दाता नहीं था दिव्यांग क्रिकेट का, क्योंकि बीसीसीआई के अंडर में नहीं था। अभी उम्मीद जगी है जब से चीफ सेक्रेटरी जयसाज जी आए हुए हैं और पीसीसीआई बोर्ड के अंडर में मैं खेल रहा हूँ व्हीलचेयर क्रिकेट। तो अभी उम्मीद ये जगी है कि उन्होंने अपने अंडर में एक कमेटी बनाई है डीसीसीआई, तो अभी व्हीलचेयर क्रिकेट की उम्मीदें जगी।